अल्लाह दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब, सब अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों के दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ तो ये आज ना यहाँ पे मैं चिकन का ये जो है ना कौरमा के लिए इस पर दही डाल रही हूँ और इस पर नमक भी डालूँगी दही और नमक दोनों को मिलाकर इसको 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी इसको ये जो है ना चिकेन है इसको मैं अच्छे से धो ली थी धोने के बाद इसको छन्नी पर छान के रख दी थी उसके बाद मैं दही मिला रही हूँ यहाँ पे मैंने पानी डक्ची पे रखा हुआ है चावल के लिए बिरयानी का चावल है इसमें मैंने सारे खड़े मसाले जो गरम मसाले होते हैं ना वो वाले मैंने डाल दिए इसमें आधा नींबू भी डाला है नींबू और ये यहाँ पे थोड़ा सा तेल भी मैं डाल दी क्योंकि इससे ना चावल बहुत खिला किला सा होता है और यहाँ पे कढ़ाई पे ना मैं तेल डाल रही हूँ चिकन के लिए और प्याज कट करके मैं रखी हुई थी तेल अब मेरा गरम हो चुका है उस पर प्याज भी डाल दूँगी और इसको ब्राउन होने होने तक मैं इसको चलाती रहूँगी इसी तरह से तो अब ये मेरा ब्राउन हो चुका है तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको मैं थोड़ा देर चलाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से अदरक लहसुन जो है ना इसका जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से तेल में जो है फ्राई हो जाए फिर मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच और यहाँ पे जीरा पाउडर एक चम्मच और धनिया पाउडर एक चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर उसको एक से डेढ़ चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पे और उसको इस तरह से चलाऊंगी कुछ देर तो यहाँ पे मेहमान आने वाले हैं जो अम्मी है ना मेरी सास तो उनकी जो भाभी है ना वो आने वाली है और इस पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और तेज़ पत्ता भी ऐड किया हुआ है इस पर मैं नमक कम डालूँगी क्योंकि मैं चिकन पर नमक डाली थी ऑलरेडी तो इस तरह से इसको चलाऊंगी और कुछ देर इसी तरह से छोड़ दूंगी और यहाँ इस तरफ ना मैं अपना पानी देख रही थी जो चावल के लिए मैं यहाँ पानी रखी हूँ वो वाला पानी हो चुका था और मैं इस पे चावल डाल दूँगी जो मैं चावल को धो के ना अच्छी तरह से चन्नी पे छान के मैं रख दी थी और ऐसे चम्मच चलाने के बाद मैं इसको ढक्कन में ढक के रख दूँगी और यहाँ दूसरी तरफ़ जो मैं मसाला देख रही थी वो वाला मसाला हो चुका था तो मैं उस पर जो मेरा चिकन रखी थी ना दही पे मिला के उसको मैं इस पर डाल रही हूँ तो उसको इस तरह से डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से इसको मिला लूँगी और इस पर पुदीने का पत्ता मैं ऐड करूँगी इससे क्या होता है ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है पुदीने के बिना बिरयानी की तो कोई मज़ा ही नहीं आता पुदीने के बिना यहाँ पे चिकन जो है ना मेरा हो चुका था तो इसमें हल्का हल्का थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी मैं क्योंकि चावल जो है ना मेरा थोड़ा सा सख्त है यहाँ पे चावल भी हो गया था मैं इसको छन दी थी चन्नी पे हल्का सा थोड़ा सा सख्त और यहाँ पे ना दूसरी तरफ मैं कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल गरम कर रही हूँ क्योंकि ये वाला तेल जो मैं बिरयानी पे डालूँगी और ये वाला प्याज भी जो बीच बीच में उसको फ्राई अं, करने के बाद और तो फ्राई वाला जो प्याज होता है ना उसको बीच बीच में हम लोग देते हैं बिरयानी पे तो इसके लिए यहाँ पे इसको भून रही हूँ और बाहर यहाँ देखिए कितनी मतलब मौसम एकदम ख़राब लग रही है बदली बदली सा धूप ज़्यादा धूप भी नहीं है तो इतना टाइम में ना मेहमान भी आ गए थे मेहमान लोग उतना टाइम ही आए और यहाँ पे ओमेयर पता नहीं उसके दादाजी का कहाँ से फ़ोटो छोटा वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो दोनों भाई ले आ गए थे पूछने पर बोल रहे कि दादा दिए थे और यहाँ कुकर पे ना मैं जो अलग से कोरमा बनाऊँगी ये बिरयानी मैं डालने के लिए नहीं है अलग से और यहाँ पे मैं प्याज कट कर लूँगी जो बिरयानी ना सॉरी ये जो कौरमा मैं कुकर पे बनाऊँगी ना ये तो बीफ का बिरयानी होगा क्योंकि ये बहुत ही टाइम लेगा इसको गलने में तो इसलिए इसको कुकर में बनाना पड़ता है तो यहाँ पे प्याज को काटने के बाद ना मैं इसको थोड़ा सा मसल लूँगी क्योंकि ये अपने आप में जुड़ा हुआ है एकदम से ठीक से खुला नहीं तो मैं इसको अच्छे से मसल दे रही हूँ ताकि अच्छी तरह से खुल जाए और फ्राई हो पाए तो तेल गर्म हो चुका था यहाँ पे मैं डाल दूँगी प्याज अभी भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है मैं सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा आजकल ना सर्दी भी पकड़ता है ना इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होता तो दूसरी तरफ जो मैं प्याज ब्राउन कर रही थी ना वो वाला प्याज मेरा हो गया था और मैं इसको छान के निकाल ली किस दूसरी जगह पे और यहाँ पे हम देंगे बिरयानी की दम तरह से नीचे थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा ग्रेवी में डाल के यहाँ पे चावल डाल दी थी और उसके उसमें सारे मैंने मसाले भी ऐड कर दिए थे उसके बाद फिर अम्मी आ गई तो अम्मी आधे में से फिर बोझ सब डालने लगे अम्मी का मेरा दोनों मिलकर सारे गरम मसाले प्याज तेल सब कुछ जो भी था पुदीने का पत्ता आखिर मैंने बहुत थोड़ा सा चावल बचा हुआ था तो उसको भी ऊपर में दे दिया ना बहुत कम चावल चला और जो सारे मसाले थे ना वो सब मैं पहले ही ज़्यादा ज़्यादा डाल दी तो भात में बहुत कम हो गया ऊपर से हल्का हल्का हो गया एकदम तो ऊपर में ज़्यादा मसाला पता नहीं चलता क्योंकि सारे जो है ज़्यादा अंदर ही रह गए और इस तरह से मैं इसको ढक्कन में ढक के चूल्हे यहाँ पे ऊपर रख दूँगी ना उसका आटा है ना आटे को इस तरह से चारों तरफ से मैं फिलिंग कर दूँगी ताकि इसका जो स्टीम है ना वहाँ वो बाहर ना निकले और यहाँ पे मेरा प्याज बिल्कुल भून के तैयार हो चुका था और यहाँ पर सारे मसाले जो मैं रखी थी पहले से निकाल के उसमें डालने के लिए वो वाला मैं सब डाल दी जैसे कि हल, हल्दी पाउडर भी मैं ना हल्दी पाउडर नहीं डालना था इसमें मैं पहले से क्या कि तो हल्दी पाउडर भी निकाल दी थी गलती से तो सारा मैं नहीं डाली हूँ बस उसमें हल्का सा बस लग गया है क्योंकि कोरमा में अगर हल्दी डालो ना तो उसका कलर तो एकदम अलग आ जाता है जैसे नॉर्मल हम लोग बनाते हैं ना ग्रेवी वाला वो वाला क्योंकि कोरमा तो थोड़ा सा तो दही का कलर आना चाहिए और उसके यहाँ फिर थोड़ा सा गोश्त में ली थी इसको ग्राइंडिंग करने के लिए टिकिया बनाने के लिए तो इसका रेसिपी मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है वीडियो बनाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी मैं सब कुछ मैं कर रही हूँ बहुत कुछ चीज़ जो है मैं नहीं सुन बना पा रही हूँ अभी वीडियो जितना हो रहा है उतना ही बस बना रही हूँ और यहाँ पे मेरा मसाला हो गया था तो मैं तो इसमें डाल रही हूँ जो मैं अपना गोश्त जो दही पे और जो था ना वो शिमला मिर्च कैप्सिकम काट के मैं उसको मिला कर रखी थी वो वाला इस डाल के मैं अच्छे से मिला दूँगी और इसको ढक्कन लगा के इस तरह से मैं इसको हाई फ्लेम पे रख दूंगी और यहाँ पे मैं अपना दही दही भी मैं बना ली थी इस पर मैं थोड़ा सा पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता और जो ग्रीन चिल्ली और प्याज सबको ग्राइंडिंग करके मैं मिक्सी पे पीस के इसमें मैं सारे को सारा मिला दी जिसमें ये सारा मैं इसका वीडियो में और फिर से अगर दोबारा कभी बनाऊंगी ना तो इस तरह दही का तो आपको दिखाऊंगी तो ये वाला टिक्की के लिए मैं जो कीमा पीस के रखी हूँ ना इसमें अंडा को भी डाल के रखी हूँ उसको मिलाई नहीं हूँ अच्छे से बस सारा मसाला जो उसको मिक्स करती हूँ और यहाँ पर बिरयानी तैयार हो चुका था यहाँ पर अम्मी वही मेहमान लोग खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग और कोरमा बहुत ही टेस्टी बनना था बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैं बनाई थी रायता जो खीरा गाजर प्याज और धनिया पत्ता हरी मिर्च सबको डाल के नींबू मैं इस पर दही भी डालना चाहती थी मगर वो वाला मैं भूल गई बज चुका है शाम का पाँच सब लोग खाना वाना खा के आराम करके फिर मामी लोग तैयार हो गए घर वापस जाने के लिए उनके गाड़ी आ चुकी थी ऑटो आ चुका था तो वो लोग रेडी थे जाने के लिए तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़